हेलो गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का स्पेनिश ला लिगा का मैच, जो कि होने जा रहा है वैलेंसिया और सेविया के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है स्टाडियो मेस्टाया में, जो कि वैलेंसिया का होम ग्राउंड है। करंट पोजीशन की बात करें तो वैलेंसिया का शुरुआत थोड़ा सा स्लो हुआ था, स्लो मतलब थोड़ा सा ख़राब हुआ था कह सकते हैं। शुरुआती कुछ मैचेस वो हारे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपने रिदम को पकड़ रहे हैं। वैसे तो बहुत बड़ी टीमों में से अभी के लिए वैलेंसिया को माना नहीं जाता है, आज से 10 साल पहले बातें अलग थी। लेकिन चलिए, मिड टेबल फिनिश करने वाली या टॉप 10 के भीतर रहने की कोशिश इनकी रहती है हमेशा ही, लेकिन सीजन के शुरुआत में वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अभी धीरे धीरे वो अपने लय में वापस आ रहे हैं। सेविया ने हालांकि एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड काफ़ी अच्छा शुरुआत करा हुआ है। जब बात अवे मैचेस की आती है, वैलेंसिया 13 पोजीशन में वैसे तो है, लेकिन अवे मैचेस में थोड़ा सा बेटर है और सेविया का भी होम रिकॉर्ड थोड़ा सा बेटर है। वैलेंसिया का जो थोड़ा सा मैंने कहा स्लो शुरुआत हुआ है, उसके पीछे के जो मेन रीज़न है वो है बहुत सारे उनके फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स सीज़न के शुरुआत में ट्रांसफर मार्केट के दौरान दूसरे टीमों में चले गए थे। तो उस वक्त उनको अपने टीम को संभालने के लिए, फिर से रीयूनाइट करने के लिए, फिर से सब कुछ संभाल के आगे जाने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम लग गया था, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा लड़खड़ाई थी वो पहले कुछ समय में, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ों को काफ़ी मेंटेन कर रही है। अगर मैं दोनों टीमों के बारे में आपको आइडिया दे दूँ थोड़ा सा, वैलेंसिया एक ऐसी टीम के तौर पे अभी तक हमारे सामने आ रही है जो ओपोनेंट को खेलने दे रहे हैं, ठीक है। वो ओपोनेंट को खेलने दे रहे हैं और जहाँ जहाँ पे मौका मिल रहा है, छोटे मोटे जो मौके उनको मिल रहे हैं, वहाँ से ही काउंटर अटैक से हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा अटैकिंग फायर पावर इनके पास नहीं है, डिफेंसिवली खेलना इनकी कुछ हद तक मजबूरी है, क्योंकि वैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये टीम बहुत सालों की सेट टीम नहीं है। काफ़ी सारे इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब इस टीम के स्टाइल के तुलना में इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स को लेकर उनको टीम जो है बनानी पड़ी है। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड भी हैं, तो इसीलिए इनके लिए दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसा मैंने बताया कि अपने मोमेंटम को वो वापस पा रहे हैं, और उनका स्टाइल यही है अभी तक कि ओपोनेंट को खेलने दो, जहाँ पे मौका मिले उसके बाद काउंटर अटैक से हिट करो। सेविया अगर दूसरी तरफ से बात करी जाए तो ये हाईली डिफेंसिव टीम है, क्योंकि इनके जो अटैकर्स हैं नाम तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन दर्शन काफ़ी छोटे नज़र आए हैं इनके, ना सिर्फ इस सीज़न में बल्कि पिछले सीज़न में भी। छोटे मोटे टीम के अगेंस्ट में फिर भी कुछ हद तक काम हो जाता है, लेकिन बड़ी टीमों के अगेंस्ट में ये दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। इनका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ है जो ऐसे फैंटेसी प्लेयर काम पे आएगा, वो है पोजीशन रखना। तो इससे क्या होता है कि इनके डिफेंसिव थर्ड के जो प्लेयर्स हैं, चाहे उनके सेंट्रल डिफेंडर्स हो या डिफेंसिव मिडफील्डर जो होते हैं, उनसे कुछ नहीं था पासिंग के काफ़ी सारे पॉइंट्स कलेक्ट करके ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अट्रैकिंग फायर पावर की कमी है। रिसेंटली ला लीगा में जितने मैचेस सेविया ने खेले हैं, खुद भी एक से ज़्यादा गोल उन्होंने नहीं करा है और इनके ऑपोनेंट ने भी एक से ज़्यादा गोल नहीं करा है। लगभग मैं बात कर रहा हूँ 3-4-5 मैचेस की, ठीक है। इनके मैचेस में ज़्यादा गोल्स हो नहीं रहे, ऐसा नहीं कि डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन पोजेशन रख रहे हैं, खुद पे ही पासेस खेल रहे हैं और ओपोनेंट को खेलने का ज़्यादा मौका दे नहीं रहे हैं। तो आज के मैच में ना एक टीम होगी जो ओपोनेंट को खेलने देगी और दूसरी टीम होगी जो खुद ही खेलेगी ओपोनेंट को सामने आने ही नहीं, क्योंकि उनके डिफेंस में थोड़े बहुत इशूज़ हैं। तो क्या है, क्यों है, सब कुछ मैं आगे आपको समझाता हूँ। ये कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि वैलेंसिया की तरफ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं। इनमें से केविन गामेइरो, जैस्पर सिलेसन जिनके मेन गोलकीपर थे, टोनी लाटो शायद लेफ्ट बैक खेल रहे थे इनकी टीम के होकर। इसके सिवा रिसेंटली यूनुस मूसा भी डाउटफुल हो चुके हैं, हुगो गुइलामोन भी डाउटफुल हो चुके हैं। सेविया के होकर भी कुछ इंजरी क्राइसिस हैं, थॉमस वाचलिक इनके गोलकीपर, एस्कुडेरो, मुनीर, ये सारे प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं आज के मैच में। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था पिछले सीजन में, तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों टीमों के स्टाइल ऑफ प्ले से वैसा ही हुआ था। सेविया ने पूरा मैच खेला और वैलेंसिया ने खेलने भी दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही वैलेंसिया के डिफेंसिव थर्ड में सेविया गई, कुछ भी खास नहीं हुआ। आप नोटिस कर सकते हैं सेविया वैलेंसिया एज ए डिफेंसिव टीम बुरी नहीं थी। इनके मिडफील्ड में पिछले सीजन में डैनी पारे हो, कुकवेलन जैसे प्लेयर खेल रहे थे, लेकिन ऑफकोर्स ये अवेलेबल नहीं। इसके सिवा फिरान तोरेस भी थे, केविन गामेइरो तो इंजर्ड है, फिरान तोरेस, इराक वही मंगला, बहुत सारे प्लेयर्स थे जो कि अवेलेबल नहीं है। सेविया ने पूरा मैच कंट्रोल करा। इनके लिए सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना वो है इनकी मिडफील्ड। इनके मिडफील्ड में 3-4 बहुत ही क्वालिटी वाले फुटबॉलर्स खेलते हैं। इसका फायदा यह होता है कि डिफेंस थोड़ा सा लड़खड़ाने के बावजूद भी मिडफील्ड क्योंकि शील्ड करता है डिफेंस के सामने, तो वो संभाल लेते हैं वो। और पोजीशन रखना जो इनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी उनका जो मिडफील्ड है उसको लीड करता है। इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं, जनरली राइट बैक में कॉन्सिस्टेंटली जेसस नवाज खेलते हैं और लेफ्ट बैक में चाहे पिछले सीजन में रेगुलियन खेले या फिर कोई भी खेले, ये दोनों कुछ हद तक विंग का इस्तेमाल भी करते हैं।
ठीक है। जनरली अटैकिंगली अगर बात कर ली जाए सेविया की तरफ से तो विंग डिपेंडेंसी इनका होता है, लेकिन कंट्रोल करने का या फिर क्रिएटिविटी जहाँ के पास आती है तो वो उनका मिडफील्ड में ही होता है। तो यहाँ पर यही हुआ था, सेविया ने पूरा मैच खेला, वैलेंसिया ने खेलने भी दिया, लेकिन गोल करने के मामले में दोनों ही टीमें पीछे रह गई थी। एकमात्र गोल शायद सेट पीस से आया था जो कि किया था रेगुलियन ने सेविया के होकर। तो अगर रिपोर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, दोनों टीमों के अटैकर्स यहाँ पर बॉटल्ड हो चुके थे। सेविया एक गोल उन्होंने कर लिया सिक्स पीस से, बस यही हो गया काम यहीं से। पोजीशन सेविया ने रखा था जो मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो पाउलिस्ता ये आर्सेनल में भी खेल चुके हैं, वैलेंसिया का को रिसेंटली खेलते हैं। देखिए डिफेंसिवली बहुत सही टीम वैलेंसिया भी नहीं है, लेकिन काम चला लेते हैं इनके डिफेंडर्स जो है। इनमें से पाउलिस्ता का एक चीज़ है कि आपको हर मैच पे कुछ ना कुछ डिफेंसिव पैरामीटर्स इनके आपको सही देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरेंसेस हैं और पोजीशन क्योंकि सेविया ने रखा था तो आप नोटिस कर सकते हैं इनके जो मिडफील्डर्स हैं ओलिवर खेल रहे थे यहाँ पर, जोन जॉर्डन इनके टीम में बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है। क्यों है मैं आगे आपको समझाता हूँ। उसके बाद कार्लोस कुंडे नाभास सारे के सारे डिफेंडर्स, तो आप देख सकते हैं कितना सारा पासेज यहाँ पर खेल रही है सेविया की टीम। और यही एक मतलब आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव ये है कि ओपोनेंट को बॉल से दूर रखना, और नेगेटिव ये है कि पासेस ये इतना खेल रहे हैं कि सामने वो मतलब डिफेंसिव थर्ड में पासेस खेल रहे हैं कि सामने बढ़ने के लिए ही मूवमेंट्स नहीं बन रहे हैं। तो इसीलिए पूरा कंट्रोल करने के बावजूद भी मैच को ये एक से ज़्यादा गोल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। और नावाज जो थे राइट बैक वो उनके सबसे ज़्यादा क्रॉसेस। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो यहाँ पर बिलबाओ से 2-2 की बराबरी हुई थी। तो अटैकिंग थर्ड में जो वैलेंसिया के जो प्लेयर्स हैं जनरली यहाँ पर वाले हो और गोमेज ऑपरेट कर रहे हैं, इनके तरफ से एक चीज़ जो आपको मिल सकती है वो है डिफेंसिव पैरामीटर्स के पॉइंट। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया अटैकिंगली बहुत एक्टिव टीम तो नहीं है, लेकिन काम चल जाता है तो वाले हो और गोमेज ये काम हमेशा करते रहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट रखते हैं मैच में, चाहे गोल करें या नहीं करें कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपसे इनसे हमेशा ही उम्मीद रख सकते हैं। वैलेंसिया का जो मतलब रेनेसा हुआ है, रेनेसा मैं नहीं कहूँगा कि थोड़ा सा पॉजिटिव जो चीज़ें बन रही हैं धीरे धीरे उनके मैचेस में, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो निभा रहे हैं वो है कार्लोस सोलर। कार्लोस सोलर पिछले सीजन में थोड़ा सा साइड में खेलते थे क्योंकि सेंट्रल मिडफील्ड में डैनी पारे हो कोक्वेलिन या फिर कोई और आके खेल लेते थे, लेकिन इस सीजन में क्योंकि बहुत सारे मेन फुटबॉलर्स नहीं खेल रहे हैं तो इनको सेंट्रली भेज दिया गया है। और क्या कमाल का रोल ये निभा रहे हैं। देखिए गोल की बात नहीं है, गोल तो उन्होंने पेनल्टी से करे हैं, आप उनकी बात को छोड़ दीजिए, लेकिन कंट्रोल बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली क्रिएटिव मिडफील्ड का जो रोल है यहाँ पे इनका काम बहुत ही अच्छा हो रहा है। दूसरे जो मिडफील्डर शायद आपको उस तरह से देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन काफ़ी इफेक्टिव होता है इनका गेम प्ले वो है उरोस राचिच। पिछले सीजन में पुर्तगीज लीग में खेलते थे, डिफेंसिव मिडफील्डर हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। ओपोनेंट के खेल को डिसरप्शन जो होता है मतलब थोड़ा सा गड़बड़ करवाने के लिए ये उनका काम होता है। तो एक तरफ से सोलेड जो थोड़ा सा अट्रैकिंग रोल पे रहते हैं और राचिच डिफेंसिव रोल पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम जो है वैलेंसिया के लिए हो रहा है। डिफेंस में बात करी जाए तो पाउलिस्ता कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं डिफेंसिव पैरामीटर्स की अगर बात करी जाए। दूसरा डिफेंडर है दियाखा भी, डिफेंसिवली मुझे बहुत सही नज़र नहीं आए हैं ये पाउलिस्ता से, लेकिन एक जो चीज़ आपके लिए फैंटेसी में ये काम पे आ सकते हैं वो है सेट पीस में इनकी गोल करने की एबिलिटी है। आखिरी मैच पर बार्सिलोना के अगेंस्ट इन्होंने गोल करा हुआ है। बिलबाओ की टीम भी यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाई थी क्योंकि मिडफील्ड के कंट्रोल में नहीं था, मिडफील्ड पूरी तरीके से जकड़ लिया था यहाँ पर वैलेंसिया ने, कुछ एरर्स वगैरह हुए थे जहाँ से गोल आया, और यहाँ पर दोनों ही तरफ से पेनल्टी आए थे जिसकी वजह से इतना गोल हुआ। नहीं तो रिसेंटली वैलेंसिया के मैचेस भी ऐसे ही जा रहे हैं जहाँ पर वो ज़्यादा गोल नहीं कर पा रहे हैं और ओपोनेंट को भी कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से रोकने की और उनसे भी ज़्यादा गोल नहीं करवा रहे हैं। तो सेंट्रली यहाँ पर इफेक्टिव थे। और एक चीज़ आपको और नोटिस करने को मिल जाएगा वैलेंसिया के मैचेस में, जो चीज़ मैंने आपको सेविया की तरफ से बताया कि वो पोजीशन रखते हैं, ठीक है, वैलेंसिया की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और इससे क्या होता है कि इनके मैचेस में ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखने वाले प्लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप फैंटेसी खेल रहे हो तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, वैलेंसिया के प्लेयर्स जब चूज़ करोगे तो हमेशा डायरेक्ट प्लेयर्स को ही चूज़ करना, ठीक है, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं आपको इधर उधर से बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट करके देंगे नहीं, क्योंकि मैच में इनके इन्वॉल्वमेंट ही बहुत कम होता है। हो सकता है कि 30-35-40 तक बॉल पोजीशन रखे, उसमें ही जो करना है करें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टैकलिंग पासिंग चांस क्रिएशन इससे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ही इनके कोई भी प्लेयर्स को ज़्यादा कलेक्ट करके नहीं देंगे, जेनुइन कुछ प्लेयर्स हैं जो डायरेक्ट अटैकिंग थर्ड में या फिर डिफेंसिव थर्ड में ऑपरेट करते हैं उनके अलावा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन नहीं था फिर से, और जो बताने लायक है वो है पाउलिस्ता का क्लियरेंस बस, और कोई नहीं है।
अच्छा रिसेंटली रियल मद्रिद को उन्होंने 4-1 से हराया था। रियल मद्रिद बहुत ज़्यादा खराब फुटबॉल उन्होंने खेला था, यहाँ पे तीन तीन पेनल्टी गिव अवे करे थे, एक नहीं दो नहीं तीन, और इन तीनों ही पेनल्टी को अंदर भेजा था कार्लोस सोलर ने, बस और कुछ ज़रूरत था भी नहीं। डिफेंसिवली यहाँ पर भी सही थे, आप नोटिस कर सकते हैं पाउलिस्ता कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, भले ही हो सकता है कि अभी वो गोल्स वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं जाएंगे सेट पीस में, लेकिन डिफेंसिवली हमेशा काम ये करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोमेज और ली कैंग इन खेल रहे थे, ली कैंग इन भी इनके इस सीजन में नए साइंड प्लेयर हैं, इनको ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इनके जो फॉरवर्ड्स होते हैं, मैं बार बार आपको कहूँगा कि ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन इनका काफ़ी अच्छा होता है, भले ही ये गोल कर पाए या नहीं कर पाए, सही है। डैनियल वास इनके जनरली राइट बैक में खेल रहे हैं स्टॉप गैप के तौर पर, जनरली ये राइट बैक तो है नहीं लेकिन रिसेंट कुछ मैचेस में इनको राइट बैक खेलना पड़ रहा है। इनके भी डिफेंसिव क्वालिटी ठीक ठाक है, सेंट्रल मिडफील्ड में खेल सकते थे, कुछ मैचों में खेले भी थे सीजन के शुरुआत में, लेकिन अभी राइट बैक में काफ़ी अच्छा मेंटेन कर लिया है उन्होंने। तो ओवरऑल डोमिनेशन था, डिस्पाइट अटैकिंग थर्ड उस तरह से खास कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन ऑफुल डिफेंस फ्रॉम द ओपोनेंट जिसके वजह से तीन पेनल्टी मिले और वहाँ से पूरी तरह से गोल करा, मतलब फ़ायदा उठाया। फुल बैक्स इनके जो हो रहे हैं यहाँ पर डैनियल वास और होसे काया खेल रहे थे, डिफेंसिवली भी ठीक ठाक काम उन्होंने करा हुआ है कुछ कुछ मैचों में। और रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेट टीम आपको दिख रही है ना वैलेंसिया की, ये टीम सेट हो जाने के बाद अभी तक वो उस तरह से नेगेटिव कुछ रिजल्ट आया नहीं है, मतलब मैं नहीं कह रहा हारे नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट में हारे हों, ठीक है ऐसा कुछ, लेकिन उस तरह से एक्सट्रीमली नेगेटिव कुछ रिजल्ट उतना उनका आया नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं आया है क्योंकि बहुत बड़े बड़े अटैकर्स तो इनके पास नहीं है, लेकिन बैलेंस में आ जाने के बाद ना इनकी टीम ने नेगेटिव रिजल्ट भी हासिल नहीं करी हुई है। और जैसे मैंने बताया कि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं रहता है, तो फिर से आप नोटिस होते हैं पाउलिस्ता इनके क्लियरेंसेस और इंटरसेप्शन, और सोलेर के तीन शॉट ऑन टारगेट क्योंकि तीन पेनल्टी मिला था, और जाओ में डोमिनिक इनके 5 सेव्स। तो यह है कुछ हद तक आइडिया वैलेंसिया के बारे में, डिफेंसिव खेलना इनकी मजबूरी है, इनका पूरा टीम जो है इंक्लूडिंग अट्रैकिंग थर्ड के प्लेयर्स आपको डिफेंसिवली पॉइंट्स कलेक्ट करके दे सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि ओपोनेंट को मिडफील्ड में ही रोक दिया जाए और वहाँ पर उनके पास क्वालिटीज़ भी हैं, बस यही है इनके बारे में, और ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है क्योंकि वैसे भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखते नहीं है, तो इनके प्लेयर से आप इधर उधर से ज़्यादा पॉइंट्स हो सकता है ना हासिल कर पाए। अच्छा अभी बात करते हैं सेविया के बारे में, सेविया ने यहाँ पर आखिरी जो मैच खेला था वायादोलिद से उन्होंने ड्रॉ करा था। देखिए जो चीज़ मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि सेविया का ऐसा ही चल रहा है रिसेंटली, ठीक है यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा डोमिनेशन करा रहा था मिडफील्ड में, यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया था ओलिवर तोरेस और राकिटिच ने, फर्नांडो का डिफेंसिव ड्यूटी भी ठीक ठाक था, लेकिन अटैकिंग थर्ड में क्वालिटी की कमी की वजह से यहाँ पर वो ज़्यादा गोल नहीं कर पाए, एकमात्र गोल जो आया वो भी पेनल्टी से आया था, ठीक है ऐसा नहीं कि अटैकर्स मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी की कमी है। और वायादोलिद क्योंकि डिफेंसिवली यहाँ पर सही भी थी, रिसेंट कुछ मैच में डिफेंसिवली अच्छा फुटबॉल खेला था, यहाँ पर भी डिफेंसिवली सही थे, तो यहाँ से लगभग काम उन्होंने सेविया का हो चुका था इस पेनल्टी गोल से ही, लेकिन आखिरी ओवर पे सेट पीस गोल। और सबसे बड़ी बात देखिए वायादोलिद काफ़ी नीचे पायदान की टीम है, उनके अगेंस्ट में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सेविया की टीम डोमिनेट करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, यहाँ पे दोनों ही टीमों ने सेट पीस से गोल करा था। तो प्लेड होल मैच बट लैकिंग अटैकिंग फायर पावर जिसके वजह से ये डाउन हो गए थे, नहीं तो यहाँ पर जीतना चाहिए था, काफ़ी नीचे मैदान की टीम थी वायादोलिद, मिडफील्ड यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल किया था, हमेशा ही करते हैं, विंग भी यहाँ पर ठीक ठाक से स्प्रेड हुआ था, स्कोर एंड कंसीडर हम सेट पीस। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें तो फर्नांडो के यहाँ पर आपको क्लियरेंस दिख जाएंगे जो मिडफील्ड में खेल रहे थे, मतलब मिडफील्ड से आगे जा ही नहीं पा रही थी वायादोलिद की टीम, तो आप समझ सकते हैं उनके अगेंस्ट में भी यहाँ पर वो एक से ज़्यादा गोल नहीं कर पाए। पासिंग फिर से वही चीज़, राकिटिच अकुना नवास फर्नांडो सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर पासिंग करते हुए दिख रहे हैं। अभी हेटाफे को उन्होंने रिसेंटली 1-0 से हराया है, और जैसे मैं आपको बताया कि अगर मैं 4-5 रिसेंट जो ला लीगा के मैचेस हैं ना यहाँ पर ऐसा ही स्कोर लाइन रहा है 1-1, 1-0, 0-0 ऐसा सेविया के मैचेस में, तो यहाँ पर भी वही हुआ, फिर से वही चीज़, मिडफील्ड यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करी। जोन जॉर्डन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर इसलिए हैं, अगर देखिए सामने वाली टीम बहुत ज़्यादा अच्छा डिफेंस कर रही है तो अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स एक बार के लिए इनके फेल्ड हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी उनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिटीज तो नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गोल नहीं कर पाएंगे, ध्यान से सुनना, अगर मतलब समझ लीजिए लगातार प्रेशर बन रहे हैं तो वहाँ से गोल आ सकता है, मैं कह रहा हूँ क्वालिटीज़, सही है। अच्छा तो लेकिन अगर समझ लीजिए अटैकिंग थर्ड एक बार के लिए ब्लॉक्ड हो जाए, लेकिन फिर भी जोन जॉर्डन एक ऐसे प्लेयर है ना, ये पूरा जो ग्राउंड है वो उसको कवर करते हैं, मतलब अटैकिंग थर्ड और डिफेंसिव थर्ड दोनों में ही इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, इसीलिए हमेशा ही इनको आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा ही कलेक्ट करके देख लेंगे। बाकी जो मिडफील्डर्स हैं जैसे कि इवान राकिटिच हो गए,
फर्नांडो हो गए। फर्नांडो क्या है कि वो पूरी तरीके से डिफेंसिव मिडफील्डर है, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए सामने वाली टीम वीकर ओपोनेंट है, वो डिफेंस में ज़्यादा प्रेशर दे ही नहीं रही है, तो हो सकता है फर्नांडो को ज़्यादा मौका ही ना मिले कहीं से पॉइंट कलेक्ट करने का। राकिटिच क्या है, राकिटिच अटैकिंग मिडफील्डर है, अगर आप सामने उनके सामने बहुत अच्छा डिफेंस खड़ा कर देते हैं तो वो भी एक बार के लिए ब्लॉक हो सकते हैं, और ज़्यादा वो डिफेंसिवली पॉइंट्स कलेक्ट करके देते नहीं हैं। लेकिन जोन जॉर्डन ऐसे मिडफील्डर हैं, अटैकिंगली अगर नहीं हुआ तो डिफेंसिवली या तो मिडफील्ड में ही हमेशा ही क्रिएटिविटी उनका चलता ही रहता है, तो हमेशा ही इनसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं, तो काफ़ी कंसिस्टेंट पॉइंट्स स्कोरर हैं। तो यहाँ पर भी वही हुआ, हेटाफे भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस उनका नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि फिनिशिंग बहुत बुरी रही थी। उल्टा क्या हुआ कि सेविया के डिफेंस में यहाँ पर प्रेशर उन्होंने बना के रखा था हेटाफे वालों ने, लेकिन उनका भी वही था कि क्वालिटी की कमी की वजह से वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। एकमात्र गोल जो मैच में हुआ वो हुआ था ओन गोल, मतलब ऑन प्ले में किसी से गोल हुआ ही नहीं, ठीक है। सेविया भी हेटाफे तो वीकर टीम थी, उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए आप, लेकिन सेविया से भी नहीं हुआ, ठीक है। तो यही चीज़ जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डिफेंसिवली ठीक ठाक थी, बहुत यहाँ पर गड़बड़ नहीं हुआ नहीं है। इनके डिफेंडरों में से बात कर ली जाए तो जूल्स कुंडे कंसिस्टेंट एक परफॉर्मर के तौर पर आपको दिख जाएंगे, कुछ नहीं तो पासिंग से तो आपको ये पॉइंट दे ही सकते हैं, और सेट पीस में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से डिफेंसिव क्वालिटीज़ की बात करेंगे ना, तो डिएगो कार्लोस का डिफेंसिव क्वालिटी बेटर है। कुंडे क्या है, पासिंग के पॉइंट्स दे सकते हैं, सेट पीस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डिफेंसिवली ठीक ठाक है, लेकिन डिएगो कार्लोस डिफेंसिवली अगर आप बात करेंगे तो कुंडे से बेटर है, लेकिन सेट पीस वगैरह या फिर क्रिएटिविटी के मामले में ये कुंडे से काफ़ी पीछे आ जाते हैं। इसीलिए फैंटेसी में आपके लिए कुंडे ऑलवेज बेटर चॉइस होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कहां से गोल कर जाए, हो सकता है पूरा मैच डिफेंड करके डिफेंसिवली पॉइंट्स जो है डिएगो कार्लोस ने पॉइंट कलेक्ट करके दिया और कुंडे ने एक गोल कर दिया और आपने नहीं दिया, आप खत्म, ठीक है। यही बात है, तो फिर से लैक ऑफ अटैकिंग क्वालिटीज़ की वजह से यहाँ पर वो कुछ खास कर नहीं पाए, ओन गोल एकमात्र गोल आया और जिसकी वजह से वो जीत पाए। डिफेंसिव मिडफील्ड सही था, 75% पोजीशन, मतलब 4 में से 3% मैच तो उन्होंने पूरा ही खुद ही खेला, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं खुद से एक गोल ना कर पाए। हेटाफे ने लेफ्ट साइड का इस्तेमाल किया था, सेविया ने राइट साइड का, और देखिए पोजीशन था तो सिर्फ पासिंग के ही आपको बतेरा पॉइंट्स जो है देखने को मिल रहे हैं, और कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है। तो ये सब कुछ देखने के बाद और दोनों टीमों की जो मेंटालिटी है उनको कंसीडर करने के बाद अनडाउटेडली मुझे ये लग रहा है, अगर सब कुछ सही रहा, मतलब अगर समझ लीजिए कि पेनल्टी वगैरह नहीं आए या रेड कार्ड नहीं आए या बहुत बड़ा कोई मिस्टेक नहीं करे कोई प्लेयर, तो अनडाउटेडली मुझे लगता है कि ये मैच आपको लेस स्कोरिंग देखने को मिल सकता है। और मेरा सजेशन यही होगा कि मिनिमम 4 एक्सेप्ट गोलकीपर, मिनिमम 4 या 5 डिफेंडर्स को आप लेके चलो, मिडफील्ड में जेनुइन जो पॉइंट स्कोरर्स हैं उनको लेके चलो, अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स को हो सके तो एक बार के लिए आप ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि गोल नहीं कर सकेंगे कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट स्कोरर्स जो होंगे ना वो आपको डिफेंसिव थर्ड के या मिडफील्ड से ही ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? अच्छा, ये है दोनों टीमों के सेट पीस टेकर्स, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और ये स्टैटिस्टिक्स हैं दोनों टीमों के तरफ से, सोलेर के 5 गोल हैं, मिडफील्ड में खेलते हैं, मतलब भावुक मत हो जाना, 5 में से 5 ही गोल उन्होंने पेनल्टी से करे हैं, 4 या 5 गोल शायद पेनल्टी से करे हैं। इसके अलावा वाले हो और गोमेस और यहाँ से एल नसियरी, असिस्ट के मामले में सोलेर हैं और किंग एन ली, और इसीलिए आप समझ सकते हैं सोलेर का बहुत बड़ा रोल रहता है वैलेंसिया के गेम प्ले में, और इसीलिए हो सकता है कि आज के मैच में स्मॉल लीग में बहुत सारे आपके ऐसे ओपोनेंट्स आएँ जिनको आप सोलर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाते हुए देखेंगे। अच्छा, प्लेइंग इलेवन की बात करें तो दोनों टीमों की तरफ से ये हो सकता है प्लेइंग इलेवन, इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए मस्ट हैव हैं, चाहे आप डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाइए नहीं बनाइए, वैसे तो डिफेंसिव फॉर्मेशन ही आपको बनाना चाहिए अपनी टीम में, लेकिन जो प्लेयर आपके लिए मस्ट हैव हैं, पाउलिस्ता मस्ट हैव है, जाउमे डोमिनिक उनका बेटर परफॉर्मेंस रहा है देन बुनू जो सेविया के गोलकीपर हैं, और पॉइंट नंबर 2 ये है कि सेविया ही हो सकता है कि पूरा मैच कंट्रोल करे और अटैकिंग थर्ड में भी वही प्रेशर बना के रखे, तो हो सकता है कि डोमिनिक को ज़्यादा से ज़्यादा सेव्स भी करने को पड़े। अच्छा, दियाखाबी को आपको रखना पड़ेगा क्योंकि सेट पीस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद कुंडे मस्ट हैव, नाभास को सारी दुनिया रखने वाली है तो मैं भी नहीं कहूँगा कि ड्रॉप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, अटैकिंग थर्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ नहीं तो पासिंग से पॉइंट दे ही रहे हैं। अकुना को काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अकुना के बारे में एक चीज़ बता दूँ, अकुना पिछले सीजन में स्पोर्टिंग लिस्बन के होकर खेलते थे और मतलब मेन कंट्रीब्यूटर थे गोल्स के पीछे, लेफ्ट बैक के तौर पे खेलते थे, लेकिन इस सीजन में उस तरह से सेविया के होकर खास कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन इनकी एबिलिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो डिफेंसिव थर्ड में आप इनको ले सकते हैं। अच्छा, मिडफील्डरों में से बात करी जाए, सोलेर मस्ट हैव है, जॉर्डन मस्ट हैव है, अभी बाकी ऑप्शंस की बात कर रही है। देखिए राकिटिच को सारी दुनिया रखने वाली है, लेकिन ध्यान से सुनो,
जैसा मैंने आपको बताया, अगर वैलेंसिया फिर से अल्ट्रा डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं तो हो सकता है कि राकिटिच के पास ज़्यादा मौके नहीं आए, क्योंकि वो डिफेंसिवली ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करके नहीं देते हैं और वैलेंसिया के पास ये एबिलिटी है भी। मतलब हो सकता है कि काफ़ी टीमें उनके सामने आए जो डिफेंसिव खेलते हैं, लेकिन राकिटिच फिर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वैलेंसिया के पास ये एबिलिटी है कि वो बड़े बड़े अटैकर्स को रोकने की कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। आखिरी मैच में जब वैलेंसिया बार्सिलोना से खेली थी, वहाँ पर भी ये काम उन्होंने बखूबी कर दिया था। तो राकिटिच के ऊपर आप एक रिस्क ले सकते हो बड़ी लीग में। अगर स्मॉल लीग में आपको स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो ले लो, बड़ी लीग में लेकिन बिल्कुल एक बार ट्राई करना। राकिटिच वर्सेस उरोस राशिच, ये आज का कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है। उरोस राशिच काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, हो सकता है फैंटेसी में उस तरह से आपको नहीं दिखे इनका रोल, लेकिन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं रिसेंटली अगर हम बात करें तो। अच्छा, उसके बाद अटैकिंग थर्ड में बात करी जाए तो ये दोनों में से गोमेज़ जो है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि गोल करे या नहीं करे फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऑफ कलेक्ट करके देंगे ही। ओकैम्पोस पेनल्टी लेते हैं तो इनको भी शायद आपको लेना पड़ेगा ही, और तो यहाँ पे कुछ खास मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। इससे पहले मैं ड्रीम इलेवन की टीम दिखाऊं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे आपको ज़रूर ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पर मिलने वाली है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा तो आपको अपने टेलीग्राम के सर्च बार पर जाके सर्च करना है @teamsforwin, तो आपको 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल दिख जाएगा, आप आराम से वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यही होगा कि ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसे मैचेस का भी स्मॉल लीग की फुल टीम आपको वहाँ पर मिल जाती है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ज्वाइन जो है ज़रूर हो जाना, और इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, इसका पार्ट भी आप बन सकते हो आराम से। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। अच्छा, तो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है, एक प्लेयर का स्लॉट और 11 क्रेडिट अभी भी मेरे पास अवेलेबल है। क्या किया है, क्यों किया है, मैं समझाता हूँ। अच्छा, राकिटिच को मैंने रखा है, स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन है इसीलिए। अगर आप राकिटिच को नहीं रख रहे हो तो एक बार उरोस राशिच को जो है ज़रूर रख लेना, क्योंकि अगर राकिटिच फेल होते हैं ना तो उसका मतलब पैरेलल ये हो जाता है कि उरोस राशिच का सक्सेसफुल होना, ठीक है, क्योंकि वही एक कॉम्पिटिशन आज के मैच में होने वाला है। जोन जॉर्डन कार्लोस सोलर मस्ट हैव है मेरे लिए। यहाँ से गोमेज़ को मैंने रख लिया है, वैसे भी फॉरवर्ड है सभी रखने वाले हैं, और इनका पॉइंट्स कलेक्ट करने की भी एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ओकैम्पोस को मैंने रखा है, पेनल्टी लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मैं सही बताऊँ तो। बड़ी लीग में आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मिडफील्ड में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है तो इसीलिए मैंने रख लिया है। डिफेंडर में से बात करी जाए, गैब्रियल पाउलिस्ता मस्ट हैव है, कुंडे मस्ट हैव है, नाभा स्मॉल लीग के लिए रख लो, बड़ी लीग में एक बार इनके ऊपर ट्राई करना। दिया खाबी को रखा है सेट पीस में, अगर गोल वगैरह कंसीड करें तो। एक डिफेंडर का स्लॉट भी आप बना सकते हो, अगर आप सेविया की तरफ से किसी डिफेंडर को लेना चाहते हो तो डिएगो कार्लोस एक ऑप्शन है, डिफेंसिवली काफ़ी पॉइंट्स कलेक्ट करके देते हैं। और अकुना जो है अभी तक तो कुछ खास नहीं करा है, लेकिन इनके पास बहुत अच्छी एबिलिटी है अटैकिंग थर्ड में पेनिट्रेट करने की। और अगर वैलेंसिया की तरफ से लेना है तो डैनियल वास, जो मैंने नाम बताए हैं वो ये हैं, डैनियल वास वैलेंसिया की तरफ से। और यहाँ से अगर आप चाहो तो गुइलम डिएगो कार्लोस और अकुना में से, अकुना को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करने वाले हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो एक बार के लिए इनको ट्राई कर सकते हो। मिडफील्ड में बात करी जाए, देखिए अभी के लिए मैं ये पकड़ कर चल रहा हूँ वालेहो नहीं खेलेंगे, अगर वालेहो खेलते हैं तो आप इनको ले सकते हैं, फॉरवर्ड के तौर पर स्टार्ट करेंगे, और ओवरऑल पॉइंट कलेक्ट करने की एबिलिटी भी इनके पास अच्छी खासी है। इसके सिवाय ये फर्नांडिन्हो होंगे और ये उरोस राचिज, ये दोनों ऑप्शन है, डिफेंसिव मिडफील्डर होंगे, तो इसीलिए मैं स्मॉल लीग में सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भले ही अच्छा खेले हो सकता है कलेक्ट करके ना दे। और अटैकिंग थर्ड में तो ऑफकोर्स एल नसीरी होंगे, एल नसीरी भी ठीक ठाक कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन चलिए लोग लेंगे तो आप भी ले सकते हैं, और 10 क्रेडिट है तो जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी ये 10 क्रेडिट देख कर तो ऑटोमेटिकली ले ही लेंगे, और क्या पता पूरा मैच अच्छा जाए और एक ये गोल कर दें और आप हार जाओ, तो ये भी ऑप्शन है। तो 3-4 मैंने ऑप्शन दिए हैं, डिफेंडरों में से 2, मिडफील्डर में से 1 आप समझ सकते हैं, और फॉरवर्ड में से 1, तो इन 3-4 में से आप किसी एक को ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, देखिए बेस्ट ऑप्शन तो मेरे ख्याल से होगा कार्लोस सोलर का, ठीक है, मतलब ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले रहे हैं और सेट पीस लेते हैं तो काम पे आ सकते हैं। इसके सिवाय जोन जॉर्डन रिस्की होगा लेकिन काम के लिए ये भी है। उसके बाद फॉरवर्ड्स में से गोमेज़, ओकैम्पोस अगर गोल करते हैं तो पॉइंट्स आपके इनके मिल जाएंगे, लेकिन अगर गोल नहीं करते हैं तो दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। डिफेंडर में से बात करी जाए तो दिया खाबी, माफ करना, गैब्रियल पाउलिस्ता और जुएल्स कुंडे इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। जेसस नवास
मतलब अटैकिंग थर्ड में कंट्रीब्यूट तो करते हैं, स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब कुछ इनके सही है, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि इनके जो दोनों फुलबैक्स हैं वैलेंसिया के, ये ओपोनेंट के विंग प्ले को काफ़ी हद तक ब्लॉक करके रखते हैं, तो हो सकता है कि नावास के ऊपर प्रेशर बने और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है। लॉजिकली रिस्क की बात कर रहा हूँ तो हाउ में डोमिनिक कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, हर मैच पे बहुत ज़्यादा सेव्स ये कर रहे हैं, और आज के मैच पे भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको एक तरफा जितवा सकते हैं, और अगर क्लीन शीट का बोनस मिल जाए तब तो और भी बड़ी बात। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना अगर आपको इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम चाहिए। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।